नमस्कार दोस्तों, सीधी बात। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से इतनी जल्दी कार्य हो रहा है कि छात्रों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी जल्दी ये कार्यक्रम जारी होंगे। आज 27 मार्च है, 27 मार्च का ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसी फास्ट नोटिस जानकारी देखने के लिए, शिक्षा जगत की जानकारी देखने, शिक्षा जगत की देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो नोटिस आया है, ये आया है KVS की तरफ से, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। और इस नोटिस में बताया गया है, पहले पूरी बात आप सुन लीजिएगा, इस नोटिस में बताया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर वाला जो यहाँ पर वैकेंसी थी, ठीक है, उसको लेकर अभी जो पूरी लिस्ट थी छात्रों की जारी की थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। उसके बाद इस वीडियो में बताया गया है, इस नोटिस में बताया गया है कि हम 10 अप्रैल से, ठीक है, 10 से 13 अप्रैल, फिर उसके बाद 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में जो इनका पूरा इंटरव्यू का शेड्यूल है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर जारी कर दिया, जिनका जो एग्ज़ाम है वो 7 फरवरी 2023 को हुआ था। ये यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया। तो इस लिस्ट से भी क्या चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, और साथ में एक फॉर्मेट भी यहाँ पर जारी किया गया। ये सभी जो फॉर्मेट हैं ये फिलअप करके भी आपको ले जाने हैं। कई सारे फॉर्मेट हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, साथ में इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, ताकि आगे भी जो वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो PRT की हो, TGT PGT की हो, सब में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए, मतलब इतनी जल्दी, ये पहली पोस्ट थी, आपको पता होगा, तो ये इतनी फास्ट इसमें काम हो रहा है। इसके बाद PRT है, TGT PGT है, इन पर भी अब इसके बाद ये कार्य चालू होने वाला है। बहुत तेज़ आप तैयारियां करिए इंटरव्यू वगैरह की, क्योंकि बहुत फटाफट नोटिस आएंगे। और आपको लगता है कि नए सत्र से पहले यहाँ पर जो अभी सत्र, यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली हैं, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग भी PRT में, TGT PGT में मिल जाएगी। उसके भी नोटिस जल्द आने वाले हैं, हम आपको तुरंत जानकारी दे देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें।